तो फोन आया है ये मच 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 of it और ये है One Plus की तरफ से One Plus Note CE 4 और चार मेरा लकी नंबर नहीं है भाई <laughs> याद है आपको One Plus Note CE 3 आया था करो याद करो हाँ वही One Plus Note CE 3 भाई ये उसी का सक्सेसर बताया जा रहा है एक मिनट क्या सच में भाई इसके अंदर 120 ट्वेंटी हर्ट एमलेट डिस्प्ले है स्नैप ड्रैगन सेवन जे एन थ्री चिपसेट है और एक न्यू चीज सोनी का एक न्यू लाइटियर सेंसर है पचपन सौ एम बैटरी है भाई हंड्रेड वर्ट चार्जिंग ओह माय गॉड भाई ऑन पेपर तो भाई बहुत तगड़ा लग रहा है ये फोन आई नो इस फोन को लेकर आपके कई सारे सवाल होंगे कैमरा कैसा है परफॉर्मेंस कैसा है गेमिंग कर सकते हैं या फिर नहीं डिस्प्ले कैसा बैटरी लाइफ कैसी है और सबसे बड़ा सवाल नॉट सी थ्री के कम्पेरिजन में क्या ये फोन एक अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड लेट्स फाइंड आउट नॉट बॉक्स है। तो, तो जैसा बॉक्स था वैसे ये ज़्यादा चेंज नहीं है। है 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 कार्ड दिया, सिम सिम। इधर इधर लिखा है, नौड, नौड, नौड। लिखा नॉट नॉट नॉट, आओ खोलते यार। नए नए फोन को अनबॉक्स करके जो मज़ा ना? आपको पता ही है अलग है तो इसके अंदर ओ -हो, 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 हो भाई ये नॉट स्टिकर भी है ऐसे लगा लिया और ऐसे लगा दिया भाई बचपन में ऐसे स्टिकर्स बहुत पैक करते थे ये मेंबर कार्ड है और ये केस सिलिकॉन केस है भाई फील अच्छी है यार एंड हमारा ओ यंत्र ओ हो, हो 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 असली माल तो ये रहा यार फालतू में हम और चीजों पर लगे हुए हैं ओ मा गो भाई टूरू लव लग रहा है तो खैर अभी बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में बाकी बॉक्स के अंदर और क्या है भाई ओ भाई हंड्रेड वोट का ये चार्जर भाई ईट की तरह लग रहा है यार किसी को मार दे तो गियो बाकी ये हमारा लाल लाल केबल टाइप टू टाइप सी है तो बस यार यार, में इतना ही है, तो चलो अब आते हैं काम की बात पे, हाथ पे लोगे, ये जो फोन है, थोड़ा सा लंबा फील होगा भाई ये जो फोन आपको दो कलर में मिलेगा एक है डार्क क्रोम और दूसरा है ग्रेरा जो आप कलर देख रहे हो इसको वन प्लस ने ग्लॉसी ग्रे कहा है इसका जो बैक है हाँ पॉली कामनेट है ग्लॉसी फिनिश है इसमें वैसे इसमें फिंगरप्रिंट के निशान तो आते हैं लेकिन ये कलर्स की वजह से नोटिस नहीं होते ये देखो आपको शायद दिखेगा नहीं है जो अच्छी बात है इसका जो फ्रेम है ये भी पॉली कामनेट है एंड फोन भाई देखने में पतला लगता है जब आप हाथ पे पकड़ते हो भी पतला फील देता है फोन थोड़ा सा पतला और लंबा होने की वजह से जो ग्रिप आपको मिलते ना भाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी लाइक एक हल्का सा प्रीमियम साइड में फील आपको देता है ये इसके डिजाइन को देखने में आपको काफी सिंपलिस्टिक सा डिजाइन लगेगा शायद बहुत सारे जेन जी को ये डिजाइन पसंद आए या फिर पसंद ना आए लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे थोड़ा सा ना सिंपल एलिगेंट डिजाइन

जब इसको यूज करता हो वो एक्चुअली में फील होता है एंड अगर यूट्यूब पे वीडियो कर, अगर हम देखे क्या बात है भाई ऊपर डिस्प्ले। डिस्प्ले भी मिनिमल है नीचे चिन्ह में भी बहुत ही कम बेजल्स है यूजली यहाँ पे बहुत ज्यादा होते है भाई यहाँ पे कम है मिनिमल से बहुत कम है अरे भाई इसमें तो तारक चश्मा देखने में खाना खाते खाते भाई मजा आ जाएगा बाकी अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ ब्राइटनेस है ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन इंडोर आउटडोर डिलाइट कंडीशन में चेक किया आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ब्राइट इनफ है डिस्प्ले इंडोर में तो भाई ज्यादा ब्राइट फील होता ही है तो ब्राइटनेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है एंड पता चला इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है कौन सी है भाई पता नहीं बट फिर भी हम गिराएंगे क्योंकि आप तो जानते हैं जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं 1 2 3 4 ओ भाई भाई बहुत खतरनाक गिरा उटा, उटा तो नहीं नहीं भाई कुछ नहीं हुआ so, मल्टीमीडिया देखो, देखो जो मर्जी देखो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया के मामले में बढ़िया मिल रहा है तो हमें। दो में ये फोन मिलेगा, एक आठ जीबी एक सौ अठाईस जीबीज और एक आठ जीबी दो सौ छप्पन जीबी स्टोरेज रैम टाइप है वो एलपीटी डेर फोर है और स्टोरेज यू एफ एस थ्री पॉइंट वन है तो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई जो स्टोरेज है वो बढ़िया है थ्री पॉइंट वन है मतलब कुछ ब्रांड तो ऐसे भाई जो इस प्राइस पॉइंट पे टू पॉइंट वन भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें रीड स्वीट टेस्ट करके देखा एंड स्कोर आप दे सकते हो मतलब ये काफी अच्छा स्कोर है एक बार इसका मल्टीटास्किंग टेस्ट कर लेते हैं देखो मैं सारे ऐप्स को एक बार क्लोज कर देता हूँ आपके सामने ये मैं कॉल डाल करता हूँ मैसेज ये ठीक है क्रोम ओ भाई क्रोम तो देखो तो फटाक से खोल गया भाई ये सीपीयू थ्रोटल ये लेंस खोल गया हमने मतलब सारे एप्स को मैं खोल के देखता हूँ देखता हूँ आज तक हमें एक स्मूथनेस देखने को मिलती है ये बबल हो गया अरे ये कौन बोलता तो तो। तो है इसमें राइट साइड में ये पावर बटन है ये वॉल्यूम बटन है और फील अच्छी है टेक्टाइल है लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है ये आयर ब्लास्टर है और ये साइड स्पीकर है ये जो आयर ब्लास्टर है जिन लोगों को नहीं पता भाई इससे आप टीवी ए सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो यहाँ तक की भाई बीवी भी कंट्रोल कर सकते हो मजाक कर रहा हूँ अगर ऐसा होता है भाई सबसे पहले मैं ही इस फोन को खरीद के रखता भाई फ्यूचर में बहुत काम आता नीचे की साइड में ये सिम स्लॉट है टाइप सी पोर्ट है ये स्पीकर है एक बार सिम निकाल के देख लेते भाई ओके तो ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है मतलब एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड डाल सकते हो फिर दो सिम कार्ड डाल सकते हो एक बार स्पीकर टेस्ट करके देखते भाई ये 50% है तो स्पीकर साउंड क्वालिटी भाई अच्छी है कोई कंप्लेन नहीं, नहीं है एक प्लस पॉइंट है डॉल एटमोस है इसके स्पीकर में कैमरे की बात करो तो 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइट हंड्रेड सेंसर के साथ आता है विद ओ आई एस और दूसरा एट मेगा सोनी एम एक्स थ्री फिफ्टी फाइव सेंसर के साथ और सोलह मेगा की सेल्फी है अगर आप देखते हो जब वन प्लस नॉट सी थ्री आता था उसमें भी सेम कैमरा सेटअप था फिफ्टी मेगा पिक्सल प्लस एट मेगा और सोलह मेगा की सेल्फी इसमें भी सेम है बड़ा, एक छोटा सा चेंज है जो सेंसर है इस बार वो थोड़ा सा न्यू है चेंज है लाइटिया

में लेते भाई ये वन एक्स में लेते है और बात है अल्ट्रावाइट देखो हालांकि अच्छी फोटो लेटम करते हो डेटेस खास यहाँ पर डीटेस अच्छी है पिक्सल्स फटती भी नहीं है भाई ज्यादा जूम वगैरह करते हो और देखो भाई टू एक्स टू एक्स में तो भाई डेफ्त देखो भाई क्या तगड़ा डेप्थ दे रहा है कलर भी बहुत अच्छे है यार बाकी हमने एक अपनी फोटो भी ली है तो गुस्से में देख रहा है डिटेस भाई एक चीज कहना पड़ेगा बहुत ही सॉलिड दे देता है ये और बाकी ये देखो टू

बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है कलर बहुत अच्छे से देता है जो स्काई का कलर है वहाँ पे एक्चुअली में स्काई का कलर दिखाता है और चीजों को अच्छे से फोकस भी कर लेता है ना हाँ, एक और चीज इसमें एक रॉ एच है जिसकी वजह से अगर आप डे लाइट कंडीशन में बाहर फोटोज लेते हो वहां बहुत इंप्रेस करता है ये सेंसर बाकी पोर्ट्रेट शॉर्ट्स भी बढ़िया निकल के आते हैं इसमें हल्का सा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा रेडिस आपको देखने को मिल जाता है लेकिन बैकग्राउंड में जो डेप्थ है जो एज डिटेक्शन है वो अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है क्लोजअप शॉर्ट्स भी बढ़िया निकल के आते हैं इनफैक्ट लो लाइट में जो फोटोज निकल के आते हैं इस फोन से वो मुझे बहुत बढ़िया लगे जनरली हमें लो लाइट फोटोज में नॉइज

क्या करना है नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है ना तबा दो जल्दी से जल्दी से कमान कमान चलो एक बार मैं सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ स्मूथ ऑप्शन है बैलेंस एच डी है अल्ट्रा एच ऑप्शन भी है भाई क्या बात है और ये स्मूथ पे एक्सट्रीम ऑप्शन है क्या बात है पीरो गेम प्ले की तो भाई चांदी चांदी हो गई मतलब सिक्सटी एफ मिलेगा ओके एक बार मैं आपको जायरो भी दिखा देता हूँ ये जायरो में गए ओहो जायरो है इसमें ऑन करके रिस्पॉन्स देखते है ओ ओ भाई बढ़िया है तो जो लोग जायरो में गेम खेलते भाई उनको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा पीरो गेम प्ले शुरू करते हैं भाई समझ नहीं आ रहा दिन प्रतिदिन लोगों की गेमिंग अच्छी होती जाती है मेरी खराब होती जा रही है <laughs> ये देखो भाई

टली मुझे कैमरे में एक इंप्रूवमेंट फील हुआ कैमरे को थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है एक नए सेंसर के साथ And जो परफॉर्मेंस है भाई

है। लेकिन अगर इसकी जो प्राइस है भाई वो हजार के आसपास पहुंच जाती है तो थोड़ा सा प्राइस हाई बोलूंगा मैं इसको। बाकी आप लोग बताओ भाई आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में और अगर आप वन प्लस नॉट सी थ्री यूज करें आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है लाइक ज़रूर कर देना, कर देना एंड शेयर